आपको ये पता है कि इस पिक्चर में जो आइसक्रीम देख रहे हो ये कोई नॉर्मल आइसक्रीम नहीं बल्कि ये जहर से बना आइसक्रीम है। मतलब कोई भी इसे खाता है तो उसकी मौत हो सकती है। और क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर इस धरती का सबसे गरीब इंसान कौन है? कौन है इस धरती का सबसे गरीब इंसान? इस वीडियो में आप ऐसे अमेजिंग फैक्ट जानोगे कि आप कहोगे कि यार तू ऐसे अजब गजब के फैक्ट कहां से लाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 5, इस पिक्चर में ये सब रिंग्स को देखकर आपको लगता होगा कि ये कोई ज्वेलरी शॉप्स का इमेज है, पर आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि ये कोई ज्वेलरी शॉप्स का इमेज नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 में जितने भी लोग मरे थे उन सभी का रिंग्स है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस पिक्चर में जो ये रिंग्स देख रहे हो ये उन्हीं लोगों का रिंग है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में मरे थे। तो इससे आप ये अंदाजा लगा ही सकते हो कि वर्ल्ड वॉर 2 में कितने लोगों की मौत हुई थी। फैक्ट नंबर 4, आपने ये तो जरूर सुना होगा कि अच्छे लोग जो होते हैं वो जल्दी मर जाते हैं, मतलब कि अच्छे लोगों की मौत जल्दी हो जाती है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अमेरिका के इंसान जिसका नाम था माइकल, उसने एक साधु के पास जाकर पूछा कि साधु आप मुझे ये बताइए कि अच्छे लोगों की मौत जल्दी क्यों हो जाती है। तो पता है उस साधु ने क्या कहा? उस साधु ने ये कहा कि मान लो कि मैं अगर तुम्हें एक बगीचा में से फूल तोड़ने के लिए कहूंगा तो तुम कैसे फूल तोड़कर लाओगे? तो माइकल ने कहा कि ऑब्वियसली उस बगीचा में जो सबसे ज्यादा खूबसूरत फूल होगा मैं उससे ही तोड़ूंगा। तो फिर साधु ने कहा कि तुम्हारा आंसर तुम्हें मिल गया। मतलब जी हाँ फ्रेंड्स, आप ये समझ ही गए होंगे कि अच्छे लोगों की मौत क्यों होती है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको बगीचा में से एक फूल तोड़कर लाना है तो आप कैसे फूल तोड़ोगे? ऑब्वियसली उस बगीचा में जो सबसे ज्यादा खूबसूरत फूल होगा उससे ही तोड़ोगे। तो आप समझ गए होंगे कि अच्छे लोगों की मौत होती है वो जल्दी क्यों हो जाती है। फैक्ट नंबर 3, आप यकीन नहीं करोगे कि ये जो आइसक्रीम आप देख रहे हो ये कोई नॉर्मल आइसक्रीम नहीं है। जी हाँ, क्या आपको ये पता है कि इस आइसक्रीम को जो आप देख रहे हो ये कोई नॉर्मल आइसक्रीम नहीं बल्कि ये आइसक्रीम जहर से बना है और कोई अगर इसे खाता है तो उसकी मौत हो सकती है। पता नहीं ये आइसक्रीम कहाँ मिलता होगा, पर जहाँ भी मिलता है इलीगल वे में ही मिलता है। नीचे कमेंट करके अपना एड्रेस जरूर डाल देना क्योंकि मैं आपके एड्रेस पर यह आइसक्रीम कोरियर करने वाला हूँ और इस आइसक्रीम को खाने के बाद अपना एक्सपीरियंस। A few moments later. फैक्ट नंबर 2, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज तक आपने कितने लोगों की जान बचाई है तो आपका आंसर ऑब्वियसली 0 ही होगा। पर क्या आपको पता है कि जेम्स हैरिसन नाम का एक ऐसा इंसान है जिसने एक नहीं दो नहीं बल्कि 2.4 मिलियन यानी कि 24 लाख इंसानों का जान बचाया है। आप यकीन नहीं करोगे कि जेम्स हैरिसन ने बचपन से लेकर आज तक 24 लाख इंसानों से भी ज्यादा को ब्लड डोनेट किया है और उनकी जान बचाई है। ऐसे इंसान को सिर्फ सैल्यूट ही नहीं बल्कि बहुत कुछ करना चाहिए। यार मैं भी अब किसी का जान बचाऊंगा, पहले अपने आप को तो बचा ले मुझसे। फैक्ट नंबर 1, जेफ बेजोस जो कि इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर इस दुनिया का सबसे गरीब इंसान कौन है? कौन है इस दुनिया का सबसे गरीब इंसान? तो अगर आप इस क्वेश्चन को गूगल पर जाकर सर्च करोगे तो आपके सामने आएगा कि जेम्स कार्वियल इस दुनिया का सबसे गरीब इंसान है, यानी कि ये जो कि आप इस इमेज में देख सकते हो। पर देखने में ये तो दुनिया का सबसे गरीब इंसान नहीं लगता है। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि जेम्स कार्वियल को इस दुनिया का सबसे गरीब इंसान इसलिए कहा जाता है क्योंकि जेम्स कार्वियल को लगभग 73 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ है, इसलिए इसे दुनिया का सबसे गरीब इंसान माना जाता है। लेकिन आप अभी भी नहीं मानोगे कि ये इस दुनिया का सबसे गरीब इंसान है। तो अगर रियलिटी की बात करें तो इस दुनिया का सबसे गरीब इंसान जो भी होगा वो इस दुनिया में नहीं होगा, क्योंकि जो भी इस दुनिया का सबसे गरीब इंसान होगा वो तो गरीबी के मारे मर गया होगा ना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।